हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DZIGNEX। मैं आपका दोस्त विकी और आज लेके आ गया हूँ कोरल ड्रॉ की एक और क्लास। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया है। अच्छा, आप देख रहे होंगे आज मेरा इंटरफेस थोड़ा अलग लग रहा है, कि जो पूरा कलर थीम है जो ब्लैक हो गई है। तो चाहे तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं, ऐसा अपना इंटरफेस बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ से देखें, आप ध्यान से प्रॉपर्टीज यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ऑप्शंस नजर आएगा यहाँ पे सेटिंग्स का। इस पर अगर आप क्लिक कर दें तो कस्टमाइजेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ आपको थीम अपीयरेंस में आके आप थीम पे अगर आप सिलेक्ट करें तो आप कोई सी भी थीम रख सकते हो, लाइट, मीडियम, डार्क या ब्लैक। ओके, अच्छा लास्ट टाइम हमने देखा था शेप टूल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं उसे। अच्छा, अगर शेप टूल्स के नीचे आके देखें तो कुछ और टूल्स भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। आज इन्हीं के बारे में जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक फिर से एक स्क्वायर लिया, इस पे कुछ कलर कर देता हूँ, आई थिंक ग्रीन, ठीक है। अच्छा, शेप टूल का मैंने आपको बताया था कि आप इससे कर्व कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, कस्टमाइज जैसे भी कर सकते हैं। इसी के नीचे अगर आप देखें तो स्मूथ टूल, इसका यूज क्या है कि देखिए अगर आप अपने ऑब्जेक्ट पे हल्का सा ड्रैग करोगे तो ये इसके जो कॉर्नर है बहुत ही स्मूथ कर देगा। देखिए अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं, देखिए बहुत स्मूथ सा इसने इफेक्ट बना दिया है, देख रहे हैं। और ध्यान से देखें तो जहां जैसे ही आप इस पे क्लिक कर रहे हैं साथ में ये नोट्स भी बनाता जा रहा है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसे देखेंगे, मैंने शेप टूल लिया और ये नोट्स के जो है पॉइंट दिख गए हैं। इनको आप जैसा चाहें वैसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऊपर इसके प्रॉपर्टीज भी हैं, इस पर भी आप चेंजेस, इससे आप चेंजेस भी कर सकते हैं जैसा चाहो आप। चलिए फिर से स्मूथ पे आ जाएं। यहाँ पे आपके इसके दो प्रॉपर्टीज दिखेंगी इसकी, इनका यूज क्या है। फिर से मैंने एक पॉलीगॉन ले लिया, देखिए ये जो है फर्स्ट वाली, अगर मैं इसको मान लीजिए 12 कर दूं तो देखिए इसका साइज कितना बड़ा हो गया। अगर मैं 0.1 कर दूं, देखिए इसका साइज छोटा हो गया है। और जूम करके देखते हैं, देखिए यह है रेट। इससे आप इसके स्मूथनेस जो है उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं 100 पे कर दूं तो देखिए और अगर मैं देखिए कितने कम हुआ, देखिए आई हो पापा को समझ आ गया हो। इसी के नीचे है सीनियर टूल, इसका यूज भी कुछ ऐसी टाइप से है, स्मूथ टाइप का ही है। ये भी आपके ऑब्जेक्ट को स्मूथली फिलअप कर लेते हैं, स्मूथ कर देता है, बट ये कुछ इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग आप जितना स्मूथ करना चाहो
नीचे तक कर सकते हो। देखिए अच्छा, इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये वही वही निब साइज है, इसको मैं अगर 20 कर दूं तो देखिए थोड़ी सी निब साइज बढ़ गया है। इसी तरह ये जो है प्रेशर है, यानी कि देखिए कितना दबाव से आप इसे ड्रैग करके स्मूथ करना चाहते हो। देखिए अभी अगर मैं इसे 21 पे दे, अब अगर मैं करूं तो बहुत ही कम सही हुआ है। देखिए बहुत कम ये हमें ड्रैग हो रहा है हमारा ये। तो अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो अब देखिए देख रहे हैं। अच्छा इसी के आगे आ जाए तो ये जो फर्स्ट वाला है सीमियर स्मूथ, यानी कि अगर आप ये ट्रैक करेंगे तो इसमें एक स्मूथनेस सा, देखिए चार तरफ से ये स्मूथनेस सा आपको एक शेप बना के दे रहा है। लेकिन अगर आप इसके आगे वाले पे आप इसी तरह अगर आप इसके पॉइंटर सीमियर पे क्लिक कर दें तो देखिए एक नोब सा निब सा बना के दे रहा है ये, देख रहे हैं आप। इसे एंडेड कर देता हूँ, आप देखिए बहुत ही कम स्मूथ दे रहा है और बहुत निब टाइप का, मतलब एक कॉर्नर जो है इसके बहुत ही शार्प से बना दिया इसने, तो काफी चीजों में ये काम आता है। इसे आप जैसे ट्राई करते रहेंगे तो आपको यूज भी इसका पता चलता रहेगा क्या क्या यूज है। साथ ही साथ इसकी जो है नोट्स भी बनते जा रहे हैं, इनको आप जैसे चाहो वैसे एडिट भी कर सकते हो, जहां चाहो मैं वैसे अपना कोडिंग शेयर कर सकता हूँ। डिलीट कर फिर से अब एक सर्कल ले लेते हैं। इसके आगे आप देखेंगे तो ट्विरल टूल है, इसका यूज क्या है। देखिए ये आपके ऑब्जेक्ट को एक स्पाइरल सा शेप देगा। मैंने सपोज इसे सिलेक्ट किया, इसका थोड़ा साइज बढ़ा दिया, ठीक है टाइम इसका देखेंगे तो ये देखिए स्पाइरल सा जो है। अगर आपको मैं इसको समझाऊं, अब अगर आप देखें देखिए ये देखिए कुछ नहीं करना आपको, बस इस पे क्लिक कर रखना है और ये अपने आप इसे स्पाइरल करते रहेगा। इसके आगे देख रहे हैं अगर आप पे क्लिक करेंगे तो इसे लेफ्ट से रोटेट करेगा, और अगर आप इसी के आगे क्लिक करेंगे तो इसे राइट से रोटेट करेगा। अब ये राइट से था, अब देखेंगे आप अब ये लेफ्ट से रोटेट करता है, तो ये बहुत ही ज्यादा काम आता है ये। अच्छा इन तीनों इनको नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें।